Hey guys, welcome to my channel Cute Love. तो guys, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है, तो प्लीज मेरी आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि इस समय मेरी आवाज उतनी भी अच्छी नहीं लग रही होगी। ठीक है, तो फिर फेरी फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लन सिचेन, वांगजी विंग, वेन क्विन और नी हुसैन को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। और जब वांगजी विंग, वेन चिंग और नी हुसैन स्कूल पहुंच जाते हैं, तभी उनके फैंस उन्हें देखकर चिल्लाने लगते हैं और वो लोग उन्हें ग्रीट करते हैं, लेकिन विंग, वांगजी, वेन चिंग और नी हुसैन उन्हें इग्नोर कर देते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद विंग, वांगजी, वेन चिंग और नी हुसैन से कहता है कि अब हमें यहाँ से अलग होना पड़ेगा, तुम लोगों को मैं कैंटीन में मिलता हूँ। और उसके बाद नी हुसैन और बाकी लोग कहते हैं कि ठीक है, और ऐसा कहकर वो लोग अपने अपने क्लास चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लंच ब्रेक हो चुकी होती है और विंग, वांगजी, नी हुसैन और वेन चिंग कैंटीन में मिलते हैं। और जब सारे लोग उन्हें देखते हैं कि वो लोग कैंटीन में आ रहे हैं, तब वो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर से विंग और उसके दोस्त उस पर कुछ भी ध्यान नहीं देते। और उसके बाद वो लोग फूड लेने के लिए लाइन पर लगते हैं। तभी एक लड़की चिल्ला कर कहती है कि काश कि मैं उन लोगों की फ्रेंड होती। तभी उसकी दोस्त कहती है कि हाँ, काश कि मैं भी होती। विंग और उसके दोस्त ये चीज क्लियरली सुन सकते थे, लेकिन वो लोग फिर से इसे इग्नोर करते हैं और वो अपने खाने पर ध्यान देते हैं। उसके कुछ समय बाद विंग नोटिस करता है कि वांगजी का ध्यान कहीं और ही था। तभी विंग वांगजी को लगातार 8 times पुकारता है और विंग के 8 times पुकारने पर वांगजी अपने ख्यालों से बाहर आता है। उसके बाद विंग के मन में एक शरारत सोचती है ताकि वो वांगजी से रिवेंज ले पाए, क्योंकि वांगजी ने विंग को इग्नोर किया। उसके बाद विंग वांगजी से कहता है कि लंचा आ करो। उसके बाद वांगजी अपना माउथ खोलता है और विंग उसके माउथ पर फूड डाल देता है और कुछ ही सेकंड बाद वांगजी का फेस पूरा रेड हो जाता है। उसके बाद वांगजी जोर से चिल्लाता है कि स्पाइसी, और उसके बाद वो पानी पीना शुरू कर देता है। और तब विंग, नी हुसैन और वेन चिंग हंसने लगते हैं जब वांगजी और पानी के लिए बोल रहा था। और तभी वांगजी विंग से कहता है कि विंग, तुमने मुझे स्पाइसी फूड क्यों खिलाया, तुम्हें पता है ना कि मुझे स्पाइसी फूड से नफरत है। तभी विंग वांगजी से कहता है कि तुम अपने ही ख्यालों में थे और तुम हमें इग्नोर कर रहे थे, इसीलिए। ऐसा कहकर विंग हंसने लगता है। तभी वांगजी विंग से कहता है कि विंग, तुम मतलबी हो। तभी विंग वांगजी से कहता है कि अब तुम पाउट नहीं करने लगना, तुम ऐसे भी बहुत क्यूट हो और वो हमें पहले से ही पता है, और ऐसे भी वो तुम्हारी ही गलती थी, तुमने मुझे 8 times तुम्हें पुकारने पर मजबूर कर दिया। तभी वांगजी विंग से कहता है कि मतलबी बनी। तभी विंग ये सुनकर हंसने लगता है। तभी वेनचिंग उन लोगों से कहती है कि गाइस, पहले हम लोग खाना खत्म कर लेते हैं क्योंकि लंच टाइम खत्म होने वाला है। वेनचिंग जब ऐसा कहती है तभी विंग और वांगजी खाना खाने लगते है। उसके बाद लंच ब्रेक खत्म हो जाता है और लंच ब्रेक के बाद वो लोग फिर से अपने अपने क्लास वापस चले जाते हैं। और जब उनके स्कूल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद वो लोग एक साथ घर वापस जाते हैं। उसके बाद जब विंग घर पहुंचता है, वो जियान यानली और जिन जिश्वेन से कहता है कि मॉम, डैड, मैं घर आ गया। तभी जिन जिश्वेन और यानली कहते हैं कि वेलकम होम आशियन। और तभी जिन जिश्वन विंग से कहता है कि आज स्कूल कैसा था। तभी विंग जिन जिश्वन से कहता है कि हमेशा की तरह नॉर्मल था डैड। तभी जैन यानी विंग से कहती है कि तुम ऊपर जाकर रेस्ट कर लो, हमें अभी कहीं जाना है, तो हम लोग डिनर से पहले वापस आ जाएंगे। जैन यानी जब ऐसा कहती है तभी विंग जैन यानी से कहता है कि ठीक है मॉम। ऐसा कहकर विंग अपने रूम में चला जाता है। और जब विंग अपने रूम में जाता है तभी
जान याली और जैन जेशवन एक जंगल पर जाते हैं। जंगल में जाने के बाद जान याली एक पोर्टल खोलती है और उस पोर्टल से वो दोनों फेरी टोपिया पहुँच जाते हैं। फेरी टोपिया में जाने के बाद वो दोनों किंग और क्वीन को ग्रीट करते हैं। तभी क्वीन शायू उनसे कहती है कि उठ जाओ यानली और जेशवन। तभी जिन जेशवन और यानली क्वीन शायू और किंग शाओ चेनमेन से कहते हैं कि शुक्रिया क्वीन और किंग। ऐसा कहने के बाद जान यानली किंग और क्वीन से कहती है कि हम यहाँ प्रिंस के बारे में बताने के लिए आए हैं। जब जान यानली ऐसा कहती है तभी किंग शाओ चेनमेन उनसे कहते हैं कि हाँ बताओ यानली हमारा बेटा अभी कैसा है। तभी जान यानली उनसे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है किंग, उसके स्कूल भी अब शुरू हो चुके हैं और अब वो दिन भर अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है। तभी क्वीन शाओयू प्रिंस शाओचेन में उनसे कहती है कि ओ हाँ उसके फ्रेंड्स जो फेरीज हमने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था उन लोगों ने मुझे उनके बारे में बताया, वो लोग बहुत अच्छे ह्यूमन है और उनके साथ हमारा बेटा बहुत खुश रहता है। तभी शाओचेन में उनसे कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है। तब और तभी तभी क्वीन शाओयू उनसे कहती है कि यानली जेशवन आओ बैठो हमारे साथ टी पियो। तभी जिन जेशवन और यानली कहते हैं कि थैंक यू किंग और क्वीन। और तभी किंग शाओचेन में उनसे कहते हैं कि थैंक यू तो हमें तुमसे कहना चाहिए, तुमने प्रिंस को बड़ा किया और उसे प्रोटेक्ट किया। तभी जान यानली उनसे कहती है कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम प्रिंस का ध्यान रख पाए और उसे प्रोटेक्ट कर पाए। उसके बाद क्वीन शाओयू उनसे कहती है कि शुक्रिया। और उसके कुछ समय बाद जान यानली और जिन जेशवन किंग और क्वीन को गुड बाय बोलकर वापस ह्यूमन वर्ल्ड में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ चेनमेन का भाई शाओ चेन के पास उसका एक सर्वेंट आता है और वो शाओ चेन से कहता है कि मास्टर हमने प्रिंस को ढूंढ लिया है। तभी शाओ चेन कहता है कि क्या सच में कहाँ। तभी वो सर्वेंट शाओ चेन से कहता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में शाओ चेनमेन और उसकी वाइफ ने उसे ह्यूमन वर्ल्ड में छुपा दिया था और उसके पावर्स को सील कर दिया था, अब वो ह्यूमन वर्ल्ड में एक ह्यूमन की तरह रहता है। तभी शाओचेन उस सर्वेंट से कहता है कि अच्छी बात है, अगर वो अभी ह्यूमन है तो हमें उसे अभी ही मार देना चाहिए ताकि वो इस स्टूपिड भविष्यवाणी कभी पूरी ही ना हो पाए। तभी शाओचेन का वो सर्वेंट उससे कहता है कि यस मास्टर। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक जासूस जो शाओ चेन के किंगडम में था वो इसके बारे में सुनकर सोचता है कि मुझे इसके बारे में किंग और क्वीन को बताना होगा। ऐसा कहकर वो किंग और क्वीन को एक बटरफ्लाई मैसेज भेजता है कि प्रिंस की जान अभी खतरे में है। और जब किंग शाओ चेनमेन को वो मैसेज मिलता है तभी वो उन फेरीज को अपने पास बुलाता है जो प्रिंस को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और जब जेंगशेन वह आता है तभी जेंगशेन किंग से पूछता है कि क्या हुआ किंग, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। तभी किंग शाओचेन में जेंगशेन से कहता है कि मेरे एक जासूस ने मुझे बताया कि शाओचेन को पता चल गया है प्रिंस के बारे में और अब वो ब्लैक फेरीज को भेज कर प्रिंस को मरवाना चाहता है। तुम्हें प्रिंस का और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और प्रिंस की प्रोटेक्शन के लिए तुम फेरीटोपिया से और फेरीज को भी लेकर जा सकते हो। तभी जेंगशेन किंग से कहता है कि यस किंग। उसके बाद जेंगशेन और फेरीज को लेकर उन्हें ट्रेन करने लगता है विंग की प्रोटेक्शन के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विंग अपने दोस्तों के साथ स्कूल के बाद रेस्टोरेंट में आया होता है। वो लोग रेस्टोरेंट में खा रहे होते हैं, वो लोग हंस रहे होते हैं, एक दूसरे को टीज कर रहे होते हैं और वो लोग काफी मजे कर रहे होते हैं। खाना खाने के बाद विंग और उसके दोस्त थिएटर में जाते हैं ताकि वो लोग मूवी देख पाए। हे गाइस, तो आज का पार्ट यहीं खत्म करते हैं। गाइस मुझे पता है कि आज की वीडियो काफी ज्यादा छोटी है और तो और मेरी आवाज भी उतनी अच्छी नहीं लग रही,
और आपको बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा ही आवाज सुनने को मिले होगी, इसके लिए सॉरी। तो ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा वांगशन फैंस के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।